नमस्कार, न्यूज कैचअप में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीन में कोरोना वायरस के कारण 324 भारतीय आज पहुंचे स्वदेश। डॉक्टरों की एक टीम करेगी नियमित जांच। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया बयान, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से जल्द करेंगे बात। राष्ट्रपति ने फिर की निर्भया कांड के आरोपी की दया याचिका खारिज। कोर्ट ने फांसी पर लगाई अनिश्चितकाल के लिए रोक। एएमयू में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी काफिल खान भेजे गए न्यायिक हिरासत में, गुरुवार को हुए थे गिरफ्तार। हरियाणा सरकार करेगी आरक्षण में बदलाव, स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने का है ऐलान। चीन में खेल पर भी पड़ रहा कोरोना वायरस का असर, टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफायर टूर्नामेंट को करना पड़ा स्थगित। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के खिताबी मैच शुरू, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सोफिया केनिन ने की जीत दर्ज। अब खबरें विस्तार से। बीते शनिवार को चीन में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वुहान से 324 भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया के विमान द्वारा भारत लाया गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारत पहुंचे सभी लोगों की दिल्ली एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की एक टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई। विशेष उड़ान से लाए गए सभी 324 भारतीयों को 14 दिनों तक मानेसर और छावला कैंप में रखा जाएगा। उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच डॉक्टरों की टीम द्वारा की जाएगी। बीते शनिवार केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन तभी जब यह एक संगठित रूप में होगी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार उनसे संवाद करने और उनके सभी शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है जो उनके पास नागरिकता कानून से संबंधित है। रविशंकर प्रसाद सरकार के पहले केंद्रीय मंत्री हैं जो दिल्ली के शाहीन बाग में उन प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। निर्भया गैंगरेप के आरोपी विनय शर्मा की दया याचिका को राष्ट्रपति ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। चारों दोषियों को 1 फरवरी को फांसी होनी थी, लेकिन अदालत ने शुक्रवार को डेथ वारंट पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस संबंध में कोई नई तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की है और फांसी पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। बीते शनिवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी काफिल खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार 3 दिन पहले मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए गए काफिल खान को न्यायिक हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें मथुरा जेल में भेज दिया गया है। सर्किल ऑफिसर अनिल सामनिया ने कहा कि खान को शुक्रवार को अलीगढ़ लाया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि खान को 2017 में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि इंसेफेलाइटिस से प्रभावित कई शिशुओं की मृत्यु हो गई थी। हरियाणा सरकार निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। गठबंधन सरकार में सहयोगी जनता जननायक पार्टी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 75% आरक्षण देने का वादा किया था। नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है, जिसमें 17 फरवरी से पहले 75% आरक्षण के फैसले को सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है। उद्योगपतियों की सहमति के बाद अब राज्य सरकार इस पर नीति बनाएगी। कोरोना वायरस का चीन पर असर जारी है। शनिवार को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और चाइनीज बैडमिंटन एसोसिएशन ने अपनी आपसी सहमति के साथ यह फैसला लिया कि टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफायर टूर्नामेंट में लिंग शुई चाइना मास्टर्स की परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण फिलहाल टाल दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच चीन के हैनान प्रांत में खेली जानी थी। यह 7वां बड़ा टूर्नामेंट है जिसके आयोजन में कोरोना वायरस के चलते खलल पड़ी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में खिताबी मैचों की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहला खिताबी मैच महिलाओं के डबल्स वर्ग में खेला गया, जहां फ्रांस की क्रिस्टीना मलादेनोविच और हंगरी की टिमिया बाबोस की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। फाइनल में मलादेनोविच और बाबोस ने चीनी ताइपे की सू वेई शिए और चेक रिपब्लिक की बारबोरा स्ट्रीकोवा को 6-2 6-1 के सेटों से हराया। मलादेनोविच और बाबोस की जोड़ी का यह दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही शनिवार को महिलाओं के सिंगल्स युगल का खिताबी मैच स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सोफिया केनिन के बीच खेला गया, जहां करीबन 2.5 घंटे और 3 सेटों के बाद सोफिया केनिन की जीत हुई।
दुनिया की 14वीं वरीयता प्राप्त सोफिया का यह पहला ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब है। समाचार समाप्त हुए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज कैचअप के साथ। धन्यवाद।